नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और वक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड का। तो आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस पार्टी भारी दबाव में है। उत्तराखंड में जिस तरह के हालात हैं उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सुरेश भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए 5 अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस चाहे तो उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 अध्यक्ष बना ले, फिर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे तरस आता है कांग्रेस पर। इतनी पुरानी कांग्रेस जो इस बात का दावा करती है कि हम इतने पुराने दल, जिनके अपने दल का संविधान भी है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के खून में ही रची बसी है। राजनीति में आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तुष्टीकरण के माध्यम से कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं इसका अभियान चलाया है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। वो एक उन्होंने आज 5 अध्यक्ष बनाए हैं प्रदेश के, वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है। मैं उनको एक सुझाव देता हूँ कि अगर उनको तुष्टीकरण ही करना है, सबको संतुष्टि करना है, तो उन्होंने 5 बना दिए, कुल मिला के उत्तराखंड के 13 जिले हैं, 7 और बना दें तो हर जिले का एक प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा। क्यों आप और जिलों को नाराज करते हैं? लेकिन कांग्रेस कुछ भी कर ले कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के बदलाव करके, इस प्रकार के करके, ये कांग्रेस का पैसर दिखाई देता है कि कांग्रेस कितने दबाव में है। तो वहीं काशीपुर के कुंडा में पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही इलाके में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए सामान के साथ ही देसी तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीती शाम उजाला हॉस्पिटल के कर्मचारी नितिन कुमार निवासी थाना शेरकोट जिला बिजनौर ने काशीपुर के कुंडा थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि वह अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर करीब 3 बजे मुरादाबाद रोड पर अपने घर जाने के लिए किसी सवारी के इंतजार में खड़ा था। तभी उसके पास एक पिकअप गाड़ी आकर रुकी, जिसके ड्राइवर और उसमें सवार व्यक्तियों ने उसको गंतव्य तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद नितिन भी पिकअप में सवार हो गया। पर ग्राम गोविंदपुर जसपुर इलाके में पिकअप में सवार लुटेरों ने उसके पास मौजूद करीब 3,000 रुपए, एटीएम कार्ड और हाथ में पहनी घड़ी को लूट लिया और उसे चलती गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया। वहीं इस लूटकांड की खबर जनपद के आला अधिकारियों तक जैसे ही पहुंची तो पुलिस ने चारों और लुटेरों की जाल फैला दिया और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया, जिसके चलते पुलिस ने वारदात के 24 घंटे बीतने से पहले ही लुटेरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लूट के आरोपी नासिर, ताहिर और रिंकू उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अपनी गाड़ी में यात्रियों को बैठाकर इस प्रकार लूट की वारदात को अंजाम दिया करते हैं। उत्तराखंड में इनकी पहले भी कई वारदात हुई हैं, जिसमें लूट की घटना को अंजाम देने के कुछ ही घंटे के उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम को जो है थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि पीवी मिश्री नितिन कुमार, जो कि शेरकोट के रहने वाले हैं और यहाँ उजाला हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते हैं, तो कल जब अपना वो ड्यूटी पूरा कर जो है अपने घर वापसी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में पिकअप के द्वारा जो है उनको बैठाया गया। ये कि हम कम किराए ले लेंगे, तुम बैठ जाओ। तो जब वो पिकअप आगे चली तो कुंडा हाईवे पर पहुँचते ही पिकअप में जो सवार व्यक्ति थे तो उनके द्वारा जो है इनके साथ लूटपाट की गई। इनके पास जो पैसे थे, एटीएम कार्ड था, इनकी घड़ी थी, वो उनसे छीन ली गई और इनको उतार दिया गया। इनके द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस जो है हमारी पूरी एक्टिवेट हो गई। हमारे एसओ साहब और हमारे साहिबान केंद्र के, उनके द्वारा विभिन्न टीमें बनाकर जो भी बाहर निकलने वाले रास्ते थे उन पर चेकिंग की जाने लगी और इसमें तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास जो है हमारा जो सियामेगा ठाकुरदार मार्ग है वहाँ पर जो है मैं पिकअप इन 4 लोगों को जो है पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके अरेस्ट किया गया। और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से जो पीड़ित के पास से जो सामान लूटा गया था वो समस्त सामान बरामद किया गया और साथ ही साथ इनके पास से एक तमंचा और एक चाकू भी इनके पास से मिला है। और पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इनके द्वारा ये पिछले 10 दिवस में जो है मुरादाबाद एरिया में जो है ऐसी हाईवे पर
चार पांच घटनाएं कारित की गई हैं, लोगों को बैठाया जाता है सवारी के नाम पे और सुनसान जगह पे जो है उसके साथ लूटपाट कर पिकअप से उसको उतार दिया जाता है। तो अगर ये पुलिस के द्वारा बड़ा ही एक सराहनीय कार्य किया गया है, अन्यथा ये लोग बहुत ही बड़ी घटना भी कारित कर सकते थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है और लिखा पढ़ी करने के बाद इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लालकुआ पुलिस ने हल्दूचौड़ में हुई चेन स्नेचिंग की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लालकुआ पुलिस ने चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस अपराध को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन और एक बाइक बरामद की गई है। दरअसल बीते दिनों हल्दूचौड़ के सिंगल फार्म क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग की एक वारदात हुई थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया था। वहीं टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने PIP गेट के पास से 3 अभियुक्तों को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन भी बरामद कर ली है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लूटी गई चेन को बेचने जा रहे थे। मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को लालकुआं के VIP गेट के पास से पुलिस टीम ने पकड़ा है और सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को आपराधिक रिकॉर्ड भी उनका खंगाला जा रहा है, जिसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। 30 तारीख की सायंग हल्दूचौड़ क्षेत्र में एक महिला पार्वती जोशी की सोने की चेन छीनी गई 3 मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा, और जब पुलिस द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की गई तो जानकारी हुई कि ये लालकुआ क्षेत्र में मोटरसाइकिल देखी गई, लोग देखे गए, इसके आधार पर पता रस्सी सुरागरस्सी की गई। तो इस पर एक मोटरसाइकिल, उसमें 3 व्यक्ति जो इसमें गुड्डू पासवान, विष्णु पासवान व अनूप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गुड्डू पासवान लालकुआ क्षेत्र के थे और इनके द्वारा अपने घर के आसपास से ही एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई और उसमें नंबर प्लेट बदल दी गई, और अपने जो जानकार आनंदपुर किच्छा थाना क्षेत्र के थे उनको बुला के और अपनी स्थानीय जानकारी के आधार पर जिनके समय में सुनसान क्षेत्रों में इस अपराध को अंजाम दिया गया। लालकुआ पुलिस द्वारा इंस्पेक्टर संजय कुमार और उनकी टीम के द्वारा बहुत मेहनत से इस एक संवेदनशील घटना का बहुत जल्दी खुलासा किया। इसके लिए स्थानीय जनता में एक संतोष का भाव है। सही है या नकली है ये तो परीक्षण के बाद ही कहा जाएगा, लेकिन सोने की चेन के रूप में इन्होंने चेन स्नेचिंग की। पहली नज़र में सोने की धातु है और फिलहाल माल मुकदमाती है। यदि परीक्षण की बात आएगी तो उसका परीक्षण किया जाएगा। जो वाहन पकड़ा गया है मोटरसाइकिल जो कि लूटी गई चोरी गई थी, उस मोटरसाइकिल में इनके द्वारा नंबर प्लेट बदली गई है, तो उस आधार पर 420-469 का अलग मुकदमा इन अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। वहीं काशीपुर में बीजेपी OBC मोर्चा के प्रदेश प्रभारी खिलेंद्र चौधरी ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बहाल करने को मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया है। यहां काशीपुर मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने NEET UG और NEET PG में 27% आरक्षण बहाली की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरे देश के ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए वरदान बताया है। खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से लगभग 4000 ओबीसी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से प्रत्येक वर्ष 1500 ओबीसी छात्रों को MBBS व 2500 को PG कोर्स में फायदा मिल पाएगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहता है, और मैं उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा होने के नाते और मेरे साथ में प्रदेश के महामंत्री ओबीसी मोर्चा, हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे मनोज प्रजापति जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के नगर के अध्यक्ष काशीपुर, ओबीसी मोर्चे के कुमाऊं के संयोजक कमलेश जी और राजेंद्र सैनी जी, मेरा कहना ये है कि आज तक के इतिहास में जितनी भी सरकारें रही हैं कभी किसी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए ये चिंतन मंथन नहीं किया कि ओबीसी समाज किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है या किस तरीके से उनके बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, किस तरीके से उनके बच्चों का भी उनके परिवार का भी जीवन स्तर उठे, इस पर किसी ने मंथन नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद 2018 में मोदी जी एक बिल लेकर आए, उन्होंने कहा कि जब SC वर्ग को संवैधानिक आयोग को दर्जा है
तो ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ये इसको जो है दोनों सदनों में पास कराया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ये जो है ओबीसी आयोग एक संवैधानिक दर्जे के रूप में उभर कर आया, जिससे कि ओबीसी समाज के लोगों की समस्याओं को सुना जा सके। ओबीसी समाज के लिए एक चैनल मिल गया, ओबीसी समाज के लिए एक कहने के लिए माध्यम मिला कि अगर मुझे कोई दिक्कत है, किसी दूर दूसरे वर्ग से मुझे कोई सताता है, दिक्कत पैदा करता है, तो मैं अपनी शिकायत ओबीसी आयोग में करूँगा। उसको संवैधानिक दर्जा मिलने से उसको ताकत मिली है, ओबीसी समाज में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट रोशनाबाद हरिद्वार पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट रोशनाबाद पहुंचने पर जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री बीके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट श्री जगदीश लाल, डिप्टी कलेक्टर संतोष पांडे सहित कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करने से पहले नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार पहुंचते ही हरकी पौड़ी पहुंचकर माँ गंगा की पूजा अर्चना की। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर माँ गंगा से देश व प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति की प्रार्थना करते हुए माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। विनय शंकर पांडे इसके बाद श्री गंगा सभा कार्यालय पहुंचे, जहां श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पमाला, अंगवस्त्र और गंगाजलि भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया व पर्यावरण के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में लगातार बारिश के कारण ऊंचाई वाले कई झरनों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिस कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। यहीं एक साधु जो गंगोत्री धाम में 20 साल से अपनी कुटिया में रह रहे हैं, इस बार उनकी कुटिया गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरे की चपेट में आ गई है। वहीं साधु का कहना है कि प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरी कुटिया के नीचे RCC लगाने का काम करवा दें। उनका कहना है कि प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरी कुटिया को बचाने में मेरी मदद करें, जिससे मैं अपनी पूजा साधना पूरी कर सकूं। पिछले साल बाढ़ में गंगा जी का जो किनारा टूट गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो खतरे में आ गया, मेरी कुटिया ही बहने वाली है। प्रशासन से निवेदन भी करता हूँ, रात सब लोगों से, पत्रकारों से, किसी प्रकार के यहाँ पक्की और RCC बनवा दिया जाए ताकि ये सुरक्षित बच जाए। मैंने ये बचने वाला नहीं है, आश्रम बहुत खतरे में है। सिंचाई विभाग ने अभी तो ये 15 जाला लगवाया है और फिर वो उसमें से ही और जाले टूट गए, 3 जाले बह गए। देखा आपने, इन्हें पुनः बनवा दिया जाए तत्काल में, इमरजेंसी में RCC बन जाए, पक्का घाट बन जाए, खतरा पक्की बन जाए किनारा जे RCC। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी हरिद्वार के कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी के नेतृत्व में 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी योजना के तहत लाल मंदिर कॉलोनी में शांतिपूर्वक कैनोपी फ्री बिजली गारंटी योजना कार्ड बांटा जा रहा था। इस दौरान वहां 8 से 10 BJP के कार्यकर्ता पहुंचकर गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि BJP कार्यकर्ताओं ने BJP जिंदाबाद और मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कैनोपी फाड़ दी। सूचना पर पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुश्किल से भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और कोतवाली ज्वालापुर पहुंचकर कोतवाली में तहरीर दी है। यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड का अभियान चल रहा है, उसी के तहत हमने आज लाल मंदिर हरिद्वार विधानसभा में अपना हम दो महिलाएं बैठ के हमने वो अभियान वहां पर चलाना शुरू किया। शांतिपूर्वक हम वहां पर अभियान चला रहे थे, इतने में जो है वहां पर BJP वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हम महिलाओं को घेर लिया और वहां पर बदतमीजी शुरू कर दी और मदन कौशिक जिंदाबाद और BJP जिंदाबाद के नारे लगाकर और ऊपर से हमारी कैनोपी जो लगी थी उसे तोड़फोड़ कर दी और हमारे साथ बदतमीजी और गाली गलौज पे उतर आए। तो इस तरह से जो ये हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं के एक कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ ये महिलाओं की जो सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, तो इनके जो भाजपा वाले इस तरह बौखला, जिस तरह से हम आम जनता को जो हम सुविधाएं देना चाहते हैं आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है और ये इतने बौखला चुके हैं कि इनको महिलाओं की इज्जत तक नहीं पता कि महिलाओं की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसी को लेके हम दो महिलाएं हम वहां पर थे और उसी को लेके आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि ये जो बदतमीजी और गाली गलौज वहां पर हुई है, सभी ने देखा है कि इन्होंने किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ मचाई है।
तो इस तरह की जो इनकी गुंडागर्दी है, जो सरेआम चल रही है, वो सभी लोग जनता जान रही है कि किस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम आम जनता के लिए, आम आदमी पार्टी की महिलाएं या पुरुष अभी डरने वाले नहीं है, और हम उत्तराखंड की नारियां हैं, हम इन भपकियों से नहीं डरने वाले। ये लाख हमें डराएं, हम अपने जो हमारा उद्देश्य है आम जनता के लिए, हम खड़े रहेंगे और हमेशा आम जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। 23 अप्रैल को काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी इलाके में हुए नासिर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बड़ी मशक्कत के बाद मामले से पर्दा उठाते हुए कोतवाली पुलिस ने मृतक की बहन और भांजे को नासिर की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रमजान के महीने में काशीपुर के मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी के एक झोपड़े नुमा घर में पुलिस को एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद काशीपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए और मृतक के भाई शाकिर हुसैन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं पूछताछ और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद मृतक नासिर की सगी बहन अख्तरी बेगम और उसके लड़के पर पुलिस की शक की सुई जाकर रुकी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूला। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने मीडिया को बताया कि मृतक की जमीन को कब्जाने के लिए मृतक नासिर की बहन और उसके भांजे ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि दिनांक 23 अप्रैल 2021 को जो हमारा ढेला बस्ती है, तो उसमें एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी जो है, मृतक का नाम नासिर था, उनका पीएम करवाया गया था और पीएम के बाद जो स्ट्रैंगुलेशन से उनकी डेथ होना पाया गया था। इसी आधार पर उनके भाई श्री शाकिर हुसैन के द्वारा FIR नंबर 159/21 अंतर्गत धारा 302 FIR पंजीकृत थाने पर की गई थी, और इसके खुलासे के लिए जो है कई टीमों को और SOG को लगाया गया था। काफ़ी मेहनत की गई इसमें, घटनास्थल के आसपास के काफ़ी भारी संख्या में CCTVों का अवलोकन किया गया, और जो आसपास संदिग्ध थे उनको भी जो है जानकारी लेकर उनसे भी जानकारी हासिल की गई, जानकारी की गई, पूछताछ की गई। तो काफ़ी समय बाद जो है आज इस घटना, इस हत्या का खुलासा किया गया है, और इसमें दो लोग, एक जो मृतक है उनकी बड़ी बहन अख्तरी और उनका एक बेटा है, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। काफ़ी पूछताछ करने के बाद ये जानकारी निकल के आई है कि जो मोटिव था घटना का, वो सीधा का सीधा इनसे लिंक था। जो मृतक है वो अपनी जगह पे इमामबाड़ा बनाना चाहता है और उसकी ये भी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उसकी कब्र वहीं बने। इसी कारण से उसकी बड़ी बहन को उससे रिश्ते होने लगी थी। एक तरीके से वो सारी ज़मीन को जो है वो अपने नाम पे या कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उनके जिंदा रहते वो मनसूबे उनके सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण जो है अख्तरी और उसके बेटे के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है पुलिस के द्वारा इकट्ठा की गई हैं, और जो मृतक के गले में जो गमछा मिला था मौके वारदात से, जिसको कि गले में लटकाकर इसको आत्महत्या का रूप दिया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया, उसको भी सील किया गया है, और आज इन दोनों व्यक्तियों को जो है पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। हरिद्वार में यशस्वी शर्मा ब्रांड अम्बेसडर आयुर्प्लांट मिशन और ओम आरोग्यम योग मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में हरिद्वार CA ब्रांच ऑफ ICAI के साथ मिलकर गांधी पार्क के पास भगत सिंह चौक BHL में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में गिलोय, एलोवेरा, नीम, पीपल, कदम के साथ ही कई तरह के फूल के पौधे भी लगाए गए। यशस्वी शर्मा ने कहा कि अब हमारे साथ शहर के कई लोग, जिसमें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मिलकर पौधारोपण करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में आएंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लग सकेंगे, जिससे हमारा मिशन और ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगा और जल्द ही चारों ओर हरियाली देखने को मिलेगी। CA गिरीश मोहन ने कहा कि हमें आज यशस्वी शर्मा के साथ यहाँ पौधारोपण करना बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के दौरान सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य और ऑक्सीजन के महत्व को जान चुके हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के लगातार आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकेगा। सभी लोगों को आगे आकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहिए। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा की तरफ से ऋषिकुल आयुर्वेद हॉस्पिटल के सभागार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भव्य स्वागत करते हुए उनको सम्मान स्वरूप सिक्कों से तोला गया।
और आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई कोरोना वॉरियर्स को मुख्य अतिथि की तरफ से प्रमाण पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एच के सिंह ने बताया कि कैबिनेट मंत्री को महासभा की ओर से 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें महासभा के दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक कार्यालय की व्यवस्था, महात्मा विदुर के नाम पर गंगा घाट आवंटित करने और बिजनौर के शिक्षित युवाओं को सिडकुल में रोजगार दिलाने की मांग की गई। कार्यक्रम के दौरान कैबिना मंत्री यतीश्वरानंद ने सम्मान समारोह के लिए आयोजकों को धन्यवाद करते हुए कहा कि वो सिंचाई विभाग या ग्राम पंचायत के जरिए भवन दिलवाने की कोशिश करेंगे। विदुर घाट के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों में विदुर जी का स्थान सबसे ऊंचा है। इसी के साथ जल्द ही कोई अच्छा घाट विदुर घाट के रूप में नामित कराने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में उन्होंने कहा कि जो कोई जरूरतमंद उनके पास आएगा उसकी नौकरी के लिए वो प्रयास जरूर करेंगे। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा का सम्मान समारोह है आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने हरिद्वार के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की हेल्प की है, बिल्कुल अपनी जान को जोखिम पे डालकर, तथा जो हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं उनका सम्मान भी हमें करना है, उनको सीकों से तोल रहे हैं। और साथ साथ में हमने उनसे 3 सूत्रीय मांगे अपनी रखी हैं, जिसमें हमारी पहली मांगे हैं जो बिजनौर के वासी जो हरिद्वार में रहते हैं उनके जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनको अर्हता के आधार पर उनको प्रेफरेंस मिले, मतलब नौकरी मिले। दूसरा हमने रखा है बिजनौरी विदुर घाट को नामित किया जाए, मतलब। और तीसरा हमने रखा है कि एक लगातार समाज के कार्यों को संपादित करने के लिए एक नगर पालिका में या कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट के कोई भवन हमें आवंटित किया जाए, जिससे हम लगातार समाज के सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करते रहें। और हमारी उत्तराखंड बिजनौरी महासभा का जो बेसिक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो क्षेत्रवाद का नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बिजनौरी महासभा तो क्षेत्रवाद कर रहे होंगे। हमारा क्षेत्रवाद का कोई मतलब नहीं है, हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड एवं विकास का समग्र विकास करना, उस विकास में अपने आप को समर्पित भाव से सेवा देना, तथा बिजनौर वासी जो हरिद्वार में रहते हैं परमानेंटली यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं उनके हितों की रक्षा करने का हमारा मूल उद्देश्य है। मैं उत्तराखंड बिजनौरी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एच के सिंह जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आज उन्होंने जो हमारा कोरोना के समय में जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जिन लोगों ने समाज की सेवा की, जनता की सेवा की, उनको सम्मानित करने का ये जो आयोजन किया है ये बधाई के पात्र हैं। और जो हमारी ये बिजनौरी महासभा है ये समय समय पर गरीबों की सेवा के लिए, चाहे कोई हमारा त्यौहार हो, हर वर्ष, क्योंकि होली हमारा त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, पिछले 10-12 सालों से मैं लगातार इनको देखता हूँ और हर बार मेरे पास निमंत्रण भी आता है कार्यक्रम का, उस त्यौहार को भी बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम को ये लोग करते हैं। मैं जनता से अपील करता हूँ, जिस प्रकार से बिजनौरी महासभा उत्तराखंड सामाजिक कार्य करती है, हमें उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर दूसरे हमारे मित्रों को, साथियों को भी इस प्रकार के काम करने चाहिए। उत्तरकाशी में एक स्कूल ऐसा भी है जिसमें 50 वर्ष से भी पुराने टीनशेड के भवन, जिनकी बल्लियां टूट चुकी हैं, तो वर्षों पुरानी टीनशेड पर बड़े बड़े छेद होने के कारण पानी कक्षाओं और लैब सहित स्टाफ रूम में भरता है और वर्चुअल क्लास के कंप्यूटर त्रिपाल से ढके हुए हैं। यहाँ बारिश में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के सामने यह समस्या आ जाती है कि अब जाएं तो जाएं कहां। सोचने वाली बात यह है कि मॉडर्न और हाईटेक शिक्षा का दावा करने वाला सिस्टम और शिक्षा के सामने प्रदेश को चौथे स्थान पर पहुंचाने वाली डबल इंजन सरकार का उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज सॉल्ट का भवन टीनशेड का है, जहां जब सोमवार को कक्षा 9 से 12 तक की छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचे तो देखा कि स्कूल के 50 वर्ष से पुराने टीनशेड के भवनों की बल्लियां टूटी हुई हैं, तो लैब में पानी भरा हुआ है। किसी अनहोनी के डर से स्कूल के बच्चों को खुले मैदान में बैठकर पढ़ना पड़ा। राजकीय इंटर कॉलेज साल्ट की छात्राओं आयुषी नौटियाल और स्मिता नेगी का कहना है कि आज सोमवार को सुबह मौसम हल्का साफ था, लेकिन जिस प्रकार बारिश हो रही है तो उस बारिश में यह मुसीबत खड़ी हो जाती है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। और सतलने बैठलने भी से
उससे पूर्व हम लोगों ने जो है इस विद्यालय की रचना करवाई थी आम जनता के माध्यम से, अकेला नहीं, सारे जनता लोग इकट्ठे होकर के यहाँ स्कूल स्थापित किया गया। लेकिन तब से यहाँ पर बिल्डिंगों के लिए, भवनों के लिए हमने प्रयास किया। इस स्थान पर जो है हमारे जो है इस समय जो कल्याण सिंह जी है यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, वो यहाँ पर भी आए, उनसे भी हमने गुहार लगाई कि यहाँ पर भवन होना चाहिए। और उसके बाद जो है 97-98 में हमने जो है जिला पंचायत के सदन में प्रस्ताव पारित किया और कि साल्ट भवन इंटर कॉलेज का भवन का जो है निर्माण होना चाहिए और उसके लिए जो है एस्टिमेट बनवाया जाए। स्कूल की समस्याएं तो ऐसे हैं कि हमने कई बार विभाग को और मतलब प्रशासन को जो है कई बार अवगत करवा चुके हैं और इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो रखी है कि मतलब पुराने भवनों की तो पहले दयनीय है, नया भवन भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इसके लिए जो है हम बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि बच्चों को कैसे कैसे करके स्कूल पढ़ाया जाए, परंतु यहाँ बहुत मुश्किल हो गया है। हमने प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं, अब हमारी लास्ट वार्निंग यही है कि हम तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।